अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य प्रदीप मिश्रा ने मतांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जो अन्य धर्म के लोग मतांतरण करा रहे हैं, पहले वे अपने माता पिता से पूछे कि वो कौन से धर्म से थे, उनके दादा परदादा कौन से धर्म के थे। भारत में एक ही सनातन धर्म था। पैसों के लिए मतांतरण करना खुद के और दूसरे के धर्म को धोखा देना है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा, ये उनकी विपरीत बुद्धि है। उन्हें ऊपर से प्रेशर रहता है, उन्हें इतना लालच दिया जाता है कि उन्हें मतांतरण करना पड़ता है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, राजनीति और धर्म एक दूसरे से जुड़े हैं। राजा महाराजा भी राजगुरु से सलाह लेते थे, बच्चों युवाओं में संस्कार का बीज रोपित करें। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा, एक लोटा जल में समस्याओं का हल है। इसका अर्थ है कि आपकी ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए। माँ पार्वती ने भी शिवलिंग पर जल अर्पित किया था। जरूरी नहीं कि हवन यज्ञ में लाखों खर्च करके ही शिव को प्रसन्न किया जाए। एक लोटा जल ही आस्था के लिए काफी है। हिंदू राष्ट्र के लिए जो भी अभियान चलाएं, हर किसी को सहयोग आंदोलन जन जागरण के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा, इतनी भीड़ पंडित प्रदीप मिश्रा को देखने सुनने नहीं उमड़ रही, बल्कि हजारों लोग शिव भक्त हैं, उनकी आस्था है। कोई ढोंग पाखंड नहीं है। शिव मंदिरों की सफाई नित्य होने लगी है। पहले बेलपत्र चढ़े होते रहते थे, अब छोटे मंदिर भी साफ रहते हैं। कराने वाले और करने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्मांतरण के लिए तो पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो धर्मांतरण करवा रहे हैं या धर्मांतरण के लिए लोगों को कह रहे हैं कि इस धर्म को छोड़ दो, उस धर्म को छोड़ दो, हम तो कहना चाहेंगे पहले उनके पिताजी और माताजी से पूछ के आओ, वो कौन से धर्म के थे। मूल तत्व वहा है। आज जो धर्मांतरण करा रहे हैं, संकल्प दिला रहे हैं, पहले उनके दादा परदादाओं से पूछा जाए कि उन्होंने कभी शिव मंदिर में गए थे, राम मंदिर में गए थे कि नहीं गए थे, कभी अगरबत्ती लगाई कि नहीं लगाई, सोमवार मंगलवार का व्रत करा कि नहीं करा। जब उनके पूर्वज उसको मानते हुए आ रहे हैं और आज के बच्चे अगर खड़े होकर संकल्प दिला दें कि आप इस धर्म को ना पूजिए या सनातन धर्म से दूर हट जाइए, तो ये उनकी विपरीत बुद्धि है। ये उनको, वो खुद नहीं कर रहे हैं, ऊपर से कहीं प्रेशर आकर उनसे कराया जा रहा है। ये वो खुद भी नहीं चाहते कि हम संकल्प दिलाते समय खड़े रहें या संकल्प दिलाएं, ये ऊपर से प्रेशर है।